हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू बनीवर्स। कैसे हैं आप लोग? बनीवर्स में वापस से आप लोगों का फिर से स्वागत है। यार बिग बॉस देखने की कोशिश की मैंने, ओए होए होए यार बुरा एक्सपीरियंस, बहुत बुरा, मतलब डरा, खौफनाक, डरावना, मतलब इतना दर्दनाक मेरे लिए। मैं कह रहा हूँ मेरे को उस दिन के बाद से सास बहू साजिश वाले सीरियल अच्छे लगने लग गया है यार। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मतलब 24/7 लाइव कौन देख रहा है उन्हें सोते हुए हंसते हुए? भाई किसको मजा आ रहा है उन्हें सोते हुए हंसते हुए देखने में? जो मेन मेन पार्ट है वो रखो, हाँ वैसे बाद में लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड था, एडिटिंग थी, एडिट कर दिए ये पार्ट, ये चीज़ें उसकी वजह से इन्होंने 24/7 कर दिया लाइव। लेकिन यार कितना कुत्ते बिल्ली की तरह बंदे अंदर लड़ रहे हैं ना, मतलब चिल्लाए जा रहे हैं भाई, चिल्लाए जा रहे हैं, बेफिजूल में अपना गला फाड़े जा रहे हैं। जिस तरह अभी फिलहाल मैं, फिलहाल ये बेफिजूल नहीं है, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं किसी चीज़ के बारे में, बट वो बेफिजूल में गला फाड़ रहे हैं भाई एक दूसरे के ऊपर, टॉक्सिक रिलेशनशिप तक चल रहे हैं भाई वहाँ। अरे यार एक दूसरे की पोल खोलने में लगे पड़े हैं, कोई अपनी गैंग बनाने में लगा पड़ा, मतलब ग्रुप, मतलब ऐसी वाली गैंग नहीं जो गैंग बैंग, नहीं वो वाला नहीं, अश्लीलता नहीं, दिमाग खराब हो गया। खुद सोचो यार, मैं अपने कभी भी किसी वीडियोस के अंदर गाली नहीं देता और इस वक्त मेरे अंदर से फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है, तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग ना यार, मैं तो पूरा का पूरा क्या बताऊं। और आदमी औरतों की तरह लड़ रहे हैं यार वहां पे, एक ये दिखाने के लिए लड़ रहा है मैं मर दूं मैं मर दूं मैं मर दूं, और बाकी बंदे लड़ रहे हैं ये शांत हो जाए ये शांत हो जाए ये शांत हो जाए। औरतों की आवाज़ मर्दों जैसी लग रही है, मर्दों की आवाज़ औरतों जैसी लग रही है। अब बंदा करे तो करेगा, समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। इस वक्त जो देख रहा हूँ वो सीज़न 17 है, उसका पहला वीक का जो सलमान खान का वो आता है एपिसोड, जिसके अंदर पूरे वीक का रिकैप दिखाते हैं, छोटा मोटा जो भी चीज़ें उसके अंदर हुई थी। ओ भाई मैंने कहा यार ये हर बार, एक तो इनको ना मज़ा बड़ा आ रहा है, मतलब ये ना अलग अलग सेलिब्रिटी जिसकी मूवी आ रही होती है या जिसकी कोई न्यू चीज़ लॉन्च हो रही होती है, उस बंदे को भेजते हैं पड़ोस वाली आंटी बना के, कि इनके घर के अंदर थोड़ा सा शांति का माहौल हो रखा है, चलो यार जाओ थोड़ी सी चुगलियाँ लगा के आओ इधर उधर की, इनको आपस में ही बोलने के लिए मजबूर करो, फिर वो आगे थोड़ी बहुत चिंगारी लगाते हैं ताकि आग तो आग और शोला थोड़ा भड़के और एक दूसरे का सर फाड़ने को हो जाए सारे के सारे। मैं इसका सर फाड़ दूंगा, मैं इसका सर फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। यही चीज़ें चल रही है भाई, मतलब एक दूसरे की ना औरतों के साथ, मतलब औरतों को इसमें ना ही लाओ तो बेहतर रहेगा वरना बहुत गालियाँ पड़ेंगी लेडीज़ों के मुँह से मुझे। तो बेसिकली किसकी तरह कहूँ चुगलियाँ लगा रही पड़ोस, ये होती ना मतलब लेडीज बैठ जाती है एक साथ पार्क में या बाहर बेड़े में घाट लगा के, फिर एक दूसरे की औरतों की चुगलियाँ कर रही होती है। वो पड़ोस वाली शीला को देखा, वो इधर से निकल के उधर जा रही थी, उसने आज ये वाला सूट पहना था और ये जो है ना इसने ये जो कढ़ाई करवाई ना इसको मेरे सामने कराया, उसके बाद कह रही है मैंने ये फॉरेन कंट्री से ख़रीदा था। ऐसी ऐसी बातें चल रही है भाई उसके अंदर, मतलब अजीब वो गरीब, मतलब लेडी से लहंगा पहन के कौन डेली लहंगा पहन के घूमता है? अबे तुम बिग बॉस के घर में आए हो, अपना नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस पहनो, कैजुअल ड्रेस पहनो, मतलब ऐसी ड्रेस पहनो जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो। तुम गेम खेलने आए हो, गेम की तरह एक को परिवार बनाने यहाँ पे बहने बनाती घूम रही है, उसका पति उसके साथ है, मतलब थोड़े देर बाद के पता चलेगा वो लेडी प्रेगनेंट भी कर दी उसने, अब वो ये बच्चा करके ही जाएंगे यहाँ से। अरे समझ ही नहीं आ रहा भाई चल क्या रहा है ये, मतलब एक वो अपना एक यूट्यूबर आ रखा है धाकड़ धुकड़ जो जो भी है वो उकड़ भाई, देखो यार मैंने कहा था पिछली वीडियो के अंदर के जीतेगा तो यूट्यूबर ही। देखो मेरे को भी जेन्युइनली ये चीज़ लगती थी कि यूट्यूबर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिस तरह वीडियोस में परफॉर्म करते हैं उनके अंदर एनर्जी होती है, थोड़े से
शर्म कम होती है, मतलब वैसी शर्म कम नहीं कि बेहया बेहूदगी वाली हरकतें करे, नंगा नाच करने लग जाए, ऐसा ऐसी वाली बेशर्मी नहीं, मतलब वो थोड़े से ना हाजिर जवाब होते हैं। जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट बनाए बगैर लिखते हैं, जैसे कि मैं अभी एक बिना स्क्रिप्ट के लिख रहा बोल रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं, तो हमें पता होता है किस मोमेंट पे क्या चीज़ें बोलनी है, किस चीज़ को बोलनी है, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहती है उन चीज़ों को। लेकिन उस बंदे को देख के मेरे को लगा नहीं यार किसी एंगल से यूट्यूबर है, तो अब मेरे को थोड़ी सी उसकी वीडियोज़ भी स्क्रिप्टेड लगने लगी हैं, क्योंकि यार उसकी बीवी आई थी उसको छोड़ने के लिए, धाकड़ी है शायद उसका नाम, मेरे को याद नहीं है सच्ची में, ट्रूली अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो प्लीज़ उसके फैंस मेरे को गालियाँ ना दे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। बट उसकी बीवी आई थी छोड़ने, सलमान खान के सामने उसे पीट रही है भाई, और सलमान खान सामने खड़ा है, इसके साथ आपने इसको बांध दिया, मेरा तलाक करवाओगे, तुम्हारा तो मैं ये कर दूंगी, तुम्हारा मैं वो कर दूंगी। अरे क्या ही चल रहा है, मतलब क्यों? फिर सलमान खान आता है, मतलब यार देखो सलमान खान का क्वेश्चन था कि क्या आप अपने घर पे भी ऐसे ही व्यवहार करते हो, ऐसे ही बिहेव करते हो, ऐसे ही चीखते चिल्लाते हो, ऐसे ही लड़ते हो? सामने वाले बंदे का रिप्लाई था, नहीं मैं घर पे ऐसा नहीं करता। फिर वो कहते हैं तो यहाँ क्यों कर रहे हो बिग बॉस के घर में? क्योंकि भाई तुम चार बंदे भेज रहे हो जो उन्हें टास्क देके आपस में भिड़वाने के लिए चुगलियाँ करवा रहे हैं, और तुम चाह रहे हो वो एक दूसरे की बिचिंग करें, वो भी अननोन बंदे, मतलब एक दूसरे के साथ कभी मिले जुले नहीं है, उनकी कोई फ्रेंडशिप दोस्ती यारी कुछ है नहीं, जानते नहीं, और एक दूसरे के बारे में बुराइयाँ करें, और उसके बाद घर में माहौल भी शांत रहे। मतलब ये तो वही बात होगी, मैं चिकन खाऊंगा लेकिन बिना प्याज और लहसुन का, लेकिन मैं कलेश कराऊंगा, तुम घर में तो नहीं करते तो यहाँ क्यों कर रहे हो? यार जब तुम तीसरे बंदे से आके दो बंदों के बीच में चुगलियां करवाओगे तो भाई ऑब्वियस है ना यार, झगड़ा तो होगा ही होगा यार, कौन शांत रह सकता है? एक तो सारे बंदे ऐसे जो इन्होंने कभी घर का काम किया नहीं, वैसे काम तो करते हुए अभी मेरे को दिखे नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक लाइव वाला देखना शुरू नहीं करा है, जो पिछले एपिसोड से उन्हीं को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, सहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये लग रहा है, ये देखो मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लग गई, देखो मेरे को ये लग रहा है कि साले ये सीजन खत्म होते तक मैं कोमा में चला जाऊँगा, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी होता है तो मैं ये सब यही कहना चाहूँगा कि इसका पूरा जिम्मेदार बिग बॉस सीजन 17 रहेगा। पहले एपिसोड के बाद इतना टॉर्चर यार, इतना मतलब हद होती है, मतलब इतना कैसे कर लेते हैं यार? मतलब एक तो यार तुम इतने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी हो, मतलब यार सेलिब्रिटी कहना तो ठीक नहीं रहेगा, बट हाँ जो भी हो यार तुम हो, लेकिन यहाँ पे इतना घटिया क्यों? मतलब यहाँ पे भी थोड़ी एक्टिंग कर लो थोड़ा, अगर नहीं हो अच्छे रियल लाइफ के अंदर, और जो चीज़ें तुम वीडियोस में या नाटकों में या फिल्मों में जैसे भी तुम अपना लाइफस्टाइल दिखाते हो वो रियलिटी नहीं है, अलग है, तो यहाँ पे एक्टिंग करने ही आ जाओ ना भाई। एक कपल के बीच में झगड़ा ही चले जा रहा है, 10 साल पहले या पता नहीं कितने साल पहले उनका ब्रेकअप हुआ था, अब दोनों एक दूसरे से प्यार में आते जा रहे हैं, दूर भी नहीं जाना चाह रहे। सलमान खान कह रहे हैं कि तुम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से लड़के को अपने पास आने दे रही हो, दूर जाने दे रही हो, लड़के को हर बार लग रहा है अपॉर्चुनिटी है, मार लो चौका, और उसके चौके छूटे जा रहे हैं। कुछ भी चल रहा है भाई इसके अंदर, मैं को ना अभी मैं आगे के एपिसोड भी देखूंगा ना तो मैं बताऊंगा यार कि क्या क्या हो रहा है। तो अभी तो घर में पहला जो मैंने देखा उसके अंदर तो खैर कुछ खास हुआ नहीं था, अभी वो आई थी कीर्ति सनन और टाइगर श्रॉफ आया था, और इसके आया था तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मेरे बगल में रहने वाला लौंडा है, लेकिन उन्होंने आके फिर थोड़ी सी बिचिंग करवाई टास्क देके, हिला ले काका, बिचिंग करवाई और फिर उनके बीच में कलेश शुरू करवाया।
भाई कलेश मतलब खड़े खड़े तमाशा ऐसा ही हो रहा है भाई। कितनी घर में सास बहू में जिसका दिखाते ना, ननंद ऐसी है कि चुगलियां लगा रही है, सास ऐसी है कि बजाए जा रही है, पड़ोसन ऐसी है जो आए जा रही है, कोई रुक ही नहीं रहा है। ये वही हालात चल रहे हैं भाई इनके घर बिग बॉस के घर में भी। मतलब कुछ भी हो रहा है भाई, जो जिसको बना रहा है वहां पे हकने के लिए पहुंच जा रहा है। यार बड़ी देर हो गई, दे आर फीलिंग लाइक यार बड़ी देर हो गई, कुछ किया नहीं, चलो झगड़ा कर लेता हूँ। बड़ी देर हो गई, कुछ खाया नहीं, चलो गालियां खा लेता हूँ। यार यही चल रहा है वहां पे, यार कुछ पकाया नहीं, चलो बिचिंग कर लेता हूँ। यही चीजें चल रही हैं पूरे बिग बॉस के उसमें। क्या ही कहूँ बिग बॉस के बारे में, मतलब इतने तारीफों के फूल बांध सकता हूँ ना, मतलब हर एक एपिसोड के बाद एक नया टॉर्चर लेके मैं सामने आ सकता हूँ कि मेरे साथ कि मेरे को किस तरीके से प्रताड़ित किया इस वाले एपिसोड ने। अब तक जितने भी बंदे हैं मतलब बिग बॉस देख रहे हैं उन्हें देखने दो, और जितने भी बंदे हैं जिन्होंने आज तक बिग बॉस नहीं देखा, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका दिमाग अभी तक ठिकाने पे है, आपकी उम्र बढ़ेगी क्योंकि आप इन चुतियापों से दूर हो, अच्छा रहेगा आपकी जिंदगी के लिए। तो भाई लोगों, बिग बॉस के लिए बारे में आज सिर्फ इतना ही जो कि मैंने महसूस करा, मैंने वो सारी फीलिंग आपके सामने गा दी है, रो दी है। बाकी ठीक है, जो भी है, अच्छा कमा रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो आज का वीडियो आज हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। बाकी करवा चौथ है, जिन लेडीज़ ने फास्ट रखा है तो मैं पहले ही बता दूँ कल चांद बहुत देर से निकलेगा, तो अपने पतियों का खून ना चूसे तब तक, क्योंकि उससे भी फास्ट टूट सकता है।